वेलकम एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जीरो एसोसिएशन तो आज बहुत दिनों बाद मैं एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हूँ जिसमें मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जो गेट ट्वेंटी ट्वेंटी टू आने वाला है उसमें सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट आते हैं और उन सब्जेक्ट के साथ साथ जो भी उन सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स आते हैं उन टॉपिक्स में कितने मार्क्स का पिछले बीस साल से कवर किया गया है तो ट्वेंट प्रीवियस ट्वेंटी ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर गेट के हुए हैं उनका एनालिसिस करके मैंने यहाँ पर इकट्ठा uh, किया है पूरी जानकारी सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि आपको किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है किस टॉपिक पर कम फोकस करना है कभी कभी हमारे साथ ये होता है कि हमारा कोई सब्जेक्ट बहुत ही फेवरेट होता है हम उसे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं लेकिन उससे गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम उसका वेटेज होता है जिस जो फिर बाद में हमें बहुत दिक्कत करता है इसलिए यहाँ पर सो so, पहला जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफ्लेक्शन ऑफ बीम से 38 मार्क्स का क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस 20 इयर्स में ठीक है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से थर्टी सिक्स मार्क्स का सीयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट से ट्वेंटी एट मार्क्स का प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेन से ट्वेंटी थ्री मार्क्स का थ्योरी ऑफ कॉलम्स एंड सियर सेंटर से ट्वेंटी टू मार्क्स का बेंडिंग एंड से 18 मार्क्स का और टॉर्शन ऑफ साफ्ट एंड प्रेशर वेसल से 14 मार्क्स का तो इस तरह हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आप इनके स्क्रीन भी लेकर रख सकते हैं देन स्ट्रक्चरल एनालिसिस पार्ट से एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट से 29 मार्क्स का डिटरमिनेशन एंड से 28 मार्क्स का डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस से 27 मार्क्स का फोर्स एंड एनर्जी मेथड से 19 मार्क्स का इंफ्लुएंस लाइन डायग्राम एंड रोलिंग लोड से 19 मार्क्स का मैट्रिक्स स्टिफनेस मेथड से 11 और आर्चेस से 6 नंबर का स्ट्रक्चरल डायनामिक्स से तीन मार्क्स का और जब जैसा कि आपको पता है इस बार का जो आईआईटी करवा रही है वो आईआईटी आई रुड़की है है ना आई आई सॉरी तो आई आई जो है वो स्ट्रक्चरल पार्ट पर बहुत ध्यान देती है मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्ट्रक्चरल एनालिसिस आरसीसी और स्टील तो डिजाइन ऑफ स्टील से कनेक्शन से 31 मार्क्स का प्लास्टिक एनालिसिस से 35 मार्क्स का कंप्रेशन मेंबर से 16 बीम से 13 मार्क्स का टेंशन मेंबर से 8 मार्क्स का प्लेट गर्डर से 7 मार्क्स का एंड डिजाइन रिक्वायरमेंट से पांच मार्क्स का यहां पर आपको ध्यान रखना है यहां पर कोई बहुत बड़ी डिजाइनिंग नहीं आएगी लेकिन फिर भी उनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास आरसी डिजाइन और एंड स्लैब से मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है आई एस कोड रिकमेंडेशन एंड फंडामेंटल थर्टी सिक्स मार्क्स का जो आई एस कोड होता है हमारे पास उससे थर्टी सिक्स मार्क्स का प्री स्ट्रेस से ट्वेंटी थ्री कॉलम एंड फुटिंग से ट्वेंटी वन शेयर बॉन्ड टोर्स डेवलपमेंट से नाइनटीन मार्क्स का देन हमारे पास आता है सर्वेइंग जो बहुत ही कम वेटेज रखता है यहाँ पर केवल लेवलिंग और ट्रैवर्सिंग केवल ये दो टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका मैक्सिमम सर्वेइंग कवर हो जाता है तो वही मैंने बोला कि पूरा जैसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है बीस साल में केवल आठ क्वेश्चन आए हैं कर्व से सात क्वेश्चन फील्ड एस्ट्रोनॉमी फोटो में, सर्वे से सेवन से नंबर का तो इस तरह छः मार्क्स का किसी से एरिया एंड वॉल्यूम से चार तीन तीन तो तीन तीन का मतलब है बीस साल में जब तीन तो अगले साल ये चांस भी बहुत कम है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए तो आपको अगर स्मार्ट स्टडी करना है आपके पास कम टाइम है तो इन दोनों टॉपिक्स को आपको फोकस करके चलना है सर्वे में नेक्स्ट जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसमें सेलो फाउंडेशन 54 मार्क्स का यहां पर आप सब देख रहे हैं सबसे ज्यादा मार्क्स क्योंकि इससे इस पूरे सब्जेक्ट से लगभग फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन कवर किए जाते हैं approximately मैं बता रहा हूँ तो शैलो फाउंडेशन से 54 ओरिजिन ऑफ सोइल एंड देयर प्रॉपर्टीज से 41 सियर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल से 39 कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सोइल से 39 इफेक्टिव स्ट्रेस एंड परमेबिलिटी से 34 पाइल फाउंडेशन से 33 क्वेश्चन सीपेज एनालिसिस से 32 रिटेनिंग वॉल से 31 सिमिलरली यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल से 28 स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप से 24 कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल से 16 स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से 11 स्टेबल सॉइल स्टेबलाइजेशन से 9 मार्क्स का तो यहां पर आपको एक चीज़ देखकर समझ में आ रही होगी कि जियो टेक्निकल के मैक्सिमम टॉपिक कवर किए गए हैं उसका रीजन भी एक है क्योंकि हर साल एक ही टॉपिक से क्वेश्चन को रिपीट करना कोई सही चीज़ नहीं है तो यहां पर हर एक टॉपिक को कवर किया गया है और यहां पर अगर पंद्रह मार्क्स का हर साल लाना है हमें तो कहीं ना कहीं जो टॉपिक्स है वो तो डिफरेंट होंगे तो इसलिए आपको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बहुत ही कंसंट्रेट होकर पूरे टॉपिक्स को कवर करना है नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ये भी जियो का ही भाई है इसके भी लगभग फिफ्टीन मार्क्स कवर करता है ये पूरे गेट में तो यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ वॉटर्स सिक्सटी थ्री मार्क्स का यहां पर भी आप देख रहे होंगे ये टॉप जो कुछ हैं ये बहुत ज्यादा पूछे गए हैं तो इनको ही आपको ध्यान रखना है देन क्वालिटी पैरामीटर्स फिफ्टी थ्री ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज फोर्टी टू वॉश वो वेस्ट वाटर करेक्टरिस्टिक्स थर्टी सिक्स एयर पॉल्यूशन ट्वेंटी एट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ट्वेल्व ऑन सीज सीवेज सिस्टम टेन इसके बाद वाले आप चाहो तो पढ़ सकते हो चाहो तो छोड़ सकते हो वाटर डिमांड और ये सारे टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो कभी कभी बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं गेट की वो पढ़ाती तक नहीं है तो ऐसे कुछ टॉपिक है तो लेकिन इन जो जो जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है देन हमारे पास आता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक इंजीनियरिंग से सिक्सटी थ्री मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट है पेवमेंट डिजाइन जियोमेट्रिकल डिजाइन ऑफ हाईवे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ हाईवे एंड हाईवे मटीरियल ये केवल टॉपिक पढ़ने के हैं ये दो टॉपिक आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो ठीक है देन नेक्स्ट आया हमारे पास फ्लूड डायनामिक्स फ्लूड मैकेनिक्स सॉरी ये भी कहा जाता है दस से बारह मार्क्स कवर करता है तो ऑब्वियस है जो दस से ऊपर मार्क्स कवर करेंगे वो पूरे है. तो फ्लूड बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट भी है और बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट भी है तो सबसे पहले फ्लूड डायनेमिक्स है फोर्टी मार्क्स का फ्लूड डायनामिक्स थर्टी थ्रू ओपन फ्लो थ्रू पाइप्स डायमेंशनल एनालिसिस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड लेमिनार फ्लो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स तो ये आप टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा देन इनको आप चाहो तो पढ़ लो वैसे जब लेमिनार थ्रो फ्लो पढ़ोगे तो टर्बुलेंट भी पढ़ लेंगे बायोन्सी एंड फ्लोटेशन पढ़ लीजिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है देन इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है फ्लूड का ही एफ में ही हमारा आता है ये जो आप देख रहे हैं ओ ओपन चैनल फ्लो इसको बहुत सारे लोग फ्लूड में ही रखते हैं लेकिन बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट अलग सिक्स हम मार्क्स होगा फ्लड एस्टिमेशन एंड वेल हाइड्रोलिक्स रिवर गेजिंग, इनफ्ल्टेशन ये सारे पढ़ने की जरूरत है तो ये तीन चार टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा देन इरिगेशन भी ऐसा ही लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन फिर भी ये दो टॉपिक्स आपको वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स एंड रिजर्व रिजर्वास स्पिलवे कैनाल क्रॉस ड्रेनेज ये पढ़ने की जरूरत है केवल इरिगेशन में फिर यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट हैं जो अलग से भी होते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट इससे 35 मार्क्स का आया है अभी तक 20 इयर्स में देन यहाँ पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है जो 12 नंबर का पूछा गया है तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन से हमें काफ़ी कुछ ये आइडिया मिल जाता है कि हमें कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए कौन से नहीं पढ़ने चाहिए किसको हमें छोड़ भी देंगे तो काम चल जाएगा कौन से ऐसे हैं जिसे हम नहीं छोड़ेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा जैसे ओपन चैनल फ्लो है अगर आप उसे छोड़ देंगे आप सबसे बड़ी गलती करेंगे तो इस तरह है देन उसके अलावा हमारा इंजीनियरिंग जो हमारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है उसके साथ साथ हमारा क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूट है या फिर जिसे हम लोग एप्टीट्यूड कहते हैं तो इससे पंद्रह पंद्रह नंबर का आता है वहां पर तो वहां पर भी हम कवर कर सकते हैं तो ये जो हाइयर वेटेज के सब्जेक्ट हैं अगर आपको केवल कट ऑफ क्रॉस करना है तो इनको टारगेट लेकर चलिए और इनको अपने बिल्कुल जीवन का हिस्सा बना लीजिए रोज रोज इनकी प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए आपका गेट का पेपर आराम से निकल जाएगा और एक चीज ध्यान रखिएगा ये आई आई बना रही है मतलब इस बार जो स्ट्रक्चर के क्वेश्चन होंगे वो बहुत अच्छे होंगे तो अगर आप चाहो तो स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस को अगर आप एक सजेशन है मेरा कि पढ़ना अगर आपको लग रहा है बन जाएगा तो बना लेना अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है नहीं बनेगा तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना क्योंकि आई आई टी जो स्ट्रक्चर पोर्शन है उस पर काफ़ी महारत हासिल करके ऐसा कहते हैं बनाती काफ़ी टफ बनाते हैं पेपर तो ऐसा हो जाता है तो आपको स्मार्टली स्टडी करना है और ये गेट के कुछ टॉपिक्स हैं और अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और किसी को कुछ और टाइप के वीडियो के लिए सजेशन चाहिए हो